मध्य प्रदेश शासन एवं विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए जिले में लॉकडाउन घोषित किया है, जो कि 23 से 25 मार्च रात 12 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं हेतु दोपहर 3 बजे तक छूट रहेगी। इसी के साथ शासन की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और चलते फिरते राहगीरों से घर में रहने की अपील की जा रही है। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। जो जरूरी आवश्यक सुविधाएं हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को देखते हुए, वो आवश्यकता अनुसार पर्याप्त है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को घर में रहने की अधिकतम सलाह दे रहा है। आपकी आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना है, अन्यथा की दृष्टि में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना वायरस को जब तक आप घर से बाहर लेने नहीं आएंगे, जब तक वो आपके घर नहीं आएगा। इलाज के लिए वर्तमान में सिर्फ कोरोना के लिए सिर्फ सावधानियाँ ही हैं। बार बार हाथ धोना है, 20 सेकंड तक हाथ धोना है, साबुन से बहुत अच्छे से हाथ धोना है। छींकते अथवा खांसते समय मुंह पर रुमाल अथवा मास्क का उपयोग करें, और किसी भी तरह की आपको ऐसी संभावनाएं होती हैं तो उसके लिए आप अस्पताल आइए। अस्पताल में जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारी टीम है, वो आपकी संपूर्ण जाँच करके आवश्यकता अनुसार जरूरी उपचार करेगी। गंभीर अभी तक चूँकि विदिशा जिले में अथवा कुरवाई में ऐसा कोई अभी केस नहीं है, आवश्यकता होने पर उसको हॉस्पिटल में आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं हुई है। घर में लोगों को आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है, और कोरोना वायरस जब तक आपके घर नहीं आएगा, जब तक आप किसी विदेशी व्यक्ति से अथवा विदेश से आए किसी व्यक्ति के टच में अथवा ऐसे लोगों के संक्रमित व्यक्ति के उसमें नहीं आएंगे, सीधे संपर्क में कोरोना नहीं आएगा।